हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितेश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना हंड्रेड डेज ऑफ डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे सो so, काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट दैट वॉज ऑन एल एस टी एम्स एल एस टी एम्स के ऊपर हमने एक डेटा सेट लेकर के प्रैक्टिकली एल एस टी एम्स को रन किया था उस डेटा सेट के ऊपर टेक्स्ट जनरेशन का टास्क था uh, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम आज के वीडियो में एक नए टाइप का आर एन एन आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं Uh, जो बहुत फेमस है uh, इसका नाम है जी आर यू गेटेड रिकरेंट यूनिट सो इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अगर एल एस टी एम्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो फिर जी आर यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद हम बहुत डिटेल में इसका आर्किटेक्चर समझेंगे आर्किटेक्चर समझाने के लिए आई एल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एंड फाइनली विल सी द की डिफ्रेंसिस बिटवीन एल एस टी एम एंड जी आर यूज़ ठीक है uh, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो Uh, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया है बट आई एम प्रेटी श्योर अगर आप पूरा वीडियो देखोगे जी आर यूज आपको समझ में आ जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो चलो लेट्स जी आर यूज तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जी आर यूज आर नथिंग बट आर एन एन आरकिटेक्चर ठीक है जैसे सिंपल आर एन एन था जो हमने सबसे पहले पढ़ा फिर एल एस टी एम था जो हमने लास्ट पढ़ा है वैसे ही जी आर यूज आर नथिंग बट आर एन एन आरकिटेक्चर जिनका यूज हम करते हैं टू प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा ठीक है एक बार ये डिस्कस करते हैं कि जी आर यूज एग्जिस्ट क्यों करते हैं सो अगर आपको याद होगा तो जब हमने सिंपल आर एन एन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो सिंपल आर एन एन अच्छे होते हैं और अपना काम कर पाते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉ क्या होता है सिंपल आर में कि जैसे ही आपका जो सीक्वेंस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है लेट्स से एक बहुत लंबा सेंटेंस है तो वहां पर बिकॉज ऑफ वैनिशिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम आपका जो सिंपल आर है वो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट रिटेन नहीं कर पाता राइट right? तो दिस वॉज द बिगेस्ट फ्लॉ विथ सिंपल आर एन एन और इसी को सॉल्व करता है एल एस टी एम जो हमने लास्ट पढ़ा एल एस टी एम में मैंने आपको बताया था कि बहुत कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यूज करते हैं हम लोग एंड वी मेनटेन टू डिफरेंट कॉन्टेक्ट लॉन्ग टर्म मेमरी एंड शॉर्ट टर्म मेमरी और यहाँ पर हम उस वैनिशिंग रेडियंट और एक्सप्लोडिंग रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो दैट इज वाई आप एल एस टी एम यूज करते हो तो यहाँ पर बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एल के साथ तो फिर जी आर यूज़ एग्जिस्ट क्यों करते हैं तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री एल एस अराउंड नाइन्टी सेवन में आए थे ठीक है और जी आर यूज दो हजार चौदह में तो काफ़ी रिसेंट है जी आर यूज़ के आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि अगर आप एल की बात करो ना तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर की वजह से यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है अब अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा होंगे किसी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रेनिंग में टाइम लगेगा स्पेशली बड़े डेटा सेट्स के ऊपर वो भी ज्यादा लगेगा तो दिस वॉज अ बिग फ्लॉ विथ एल आप चाहो तो, तो, तो खुद जाकर के इसको टेस्ट कर सकते हो आप एक बड़ा सा डेटा सेट लो और उसके ऊपर एलएसटीएम को ट्रेन करने की कोशिश करो एंड यू वुड सी बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्वड आपका ट्रेनिंग टाइम विल बी अ लॉट तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जीआरयू जीआरयू आपको थोड़ा सा एट इन कंपैरिजन टू एलएसटीएम सिंपलर आर्किटेक्चर देता है और ये शायद आप किसी बच्चे को भी दिखा दो यह डायग्राम और यह डायग्राम तो आप समझ पाओगे कि ये थोड़ा सा एटलीस्ट एल एस टी एम के कंपेरिजन में सिंपल लग रहा है ठीक है इनफैक्ट यहां पर एल एस टी एम में देर आर थ्री गेट्स इफ यू रिमेम्बर यहां पर सिर्फ दो ही गेट्स होते हैं और बिकॉज ऑफ दिस सिंपलर आर्किटेक्चर आपके पास लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स है और अगर लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं तो फिर ट्रेनिंग में टाइम थोड़ा कम लगेगा बट द गुड पार्ट इज कि इवन दो हमारे पास थोड़ा सिंपल आर्किटेक्चर है हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स कम है इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास दो अलग मेमरीज uh, भी नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही मेमोरी है यहाँ पर जैसे दो है तो ये सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद जी आर यूज का परफॉर्मेंस इज कम्पेरेबल टू एल एस टी एम इनफैक्ट एम्पेरिकली इट हैज़ बीन प्रूवन कि देर आर सर्टेन डेटा सेट्स सर्ट एन जहां पे जी आर एल एस टी एम्स को भी आउट परफॉर्म कर देते हैं। But, हर जगह पे ऐसा नहीं है देर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर एल एस टी एम ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जी आर यू इज लाइक बेटर इन एवरी सेंस जी आर यू आपको बस एक खूबी प्रोवाइड कर रहा है और वो ये है कि इसका आर्किटेक्चर सिंपल है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम है ट्रेनिंग टाइम कम है फॉर्मेंस कंपेरेबल है बट आप हर प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाओ तो आपको इन दोनों को चला के देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है देर इज अ चांस कि एल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए या फिर देर इज अ चांस जी आर यू ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए तो जो भी है इस पूरे डिस्कशन से यही समझ में आ रहा है कि जी आर यूज आर समथिंग जो हमें पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज इट कैन बी अ टूल जो आगे हम यूज कर सकते हैं तो अब इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें और पढ़ाऊंगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी आर यूज का आर्किटेक्चर ये जो सर्किट जैसा पूरा चीज दिखाई दे रहा है इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि जी आर यूज एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं आर्किटेक्चर समझ में आ गया बट एक एग्जाम्पल लेके समझने से और क्लैरिटी आएगा और जब ये दोनों चीजें हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में वी विल डू अ डिटेल्ड कंपेरिजन बिटवीन एल एस टी एम एंड जी आर यूज सो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं सो आर्किटेक्चर डिस्कस करने के पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि वॉट इज द बिग आइडिया बिहाइंड जी आर यू ठीक है जैसे कि अगर आप एल की बात करो तो एल में हमने पढ़ा था कि द बिग आइडिया वॉज दिस कि हम शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को अलग रखना चाहते थे एंड दैट इज वाई अगर आप ध्यान दो तो एल के आर्किटेक्चर में आपके पास सेल स्टेट अलग होता है और आपके पास हिडन स्टेट अलग होता है और अगर आप चाहो तो इस सेल स्टेट को किसी भी टाइम स्टैम्प से बहुत आगे तक के टाइम स्टैंड तक पहुंचा सकते हो ठीक है तो दिस वॉज द बिग आइडिया देर वॉज आउटपुट गेट और इन गेट्स का काम था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना ठीक है बिकॉज इनका वैल्यू जीरो से वन के बीच में होता है तो so ये सब हमने पढ़ा था अब क्वेश्चन तो ये आता जी आर यू में वॉट इज दैट बिग आइडिया तो जी आर का बिग आइडिया है कि सबसे पहले तो GRU ये बोलता है कि मुझे लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट और शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट कैरी करने के लिए दो सेपरेट स्टेट्स की जरूरत नहीं है तो दैट इज वाई आप नोटिस करोगे जीआरूज में सेल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर सिंपली हिडन स्टेट ही होता है और जीआरयूज इस तरीके से डिजाइंड है कि वो सिर्फ एक सिंगल स्टेट के ऊपर ही लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट भी कैरी कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्ट भी कैरी कर लेते हैं कैसे वो हम लोग पढ़ेंगे ऑल्सो यहां पर आपके पास तीन गेट्स नहीं होकर के सिर्फ दो गेट्स हैं एक का नाम है रीसेट गेट और दूसरे का नाम है अपडेट गेट तो ये रीसेट गेट ये अपडेट गेट किस तरीके से इस हिडन स्टेट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन एक टाइम से दूसरे टाइम तक पहुंचता है यही हमें समझना है इस वीडियो में तो जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस बिग पिक्चर कि जे क्या नया लेके आ रहा है तो सिंपली पुट आप दो के बदले एक स्टेट के साथ काम कर रहे हो और उसी को मैनिपुलेट कर रहे हो लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स को भी कैरी करने के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स को भी कैरी करने के लिए तो अब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे सो गाइज आर्किटेक्चर पढ़ने के पहले एक बार आपको थोड़ा सेटअप समझना पड़ेगा उससे तो आपका जो काम है ना वो आगे का आसान हो जाता है और सेटअप पढ़ने के पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा सो so, अगर आपने एल पढ़ रखा है ना तो आपको जी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे मतलब ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस में एल को पढ़ना और समझना ज़्यादा डिफिकल्ट काम है इन कंपेरिजन टू जी आर यू बट जी आर यूज जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है ठीक है मतलब ये है कि आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया है बट जब आप उसको यूज़ करने जाओगे या फिर किसी को समझाने जाओगे तो फिर आपको सडनली से फील होगा कि यार हाँ कुछ कॉन्सेप्ट शायद सही से नहीं मैं समझ पाया हूँ तो जस्ट बी केयरफुल वाई लर्निंग जी आर यूज मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हर चीज़ का क्या मतलब है बट जस्ट बी केयरफुल दिस इज़ माई एडवाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जी आर यूज़ का ये जो आर्किटेक्चर है इसका गोल क्या है हम अचीव क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गोल है यहाँ पर हमारा गोल है कि फॉर एनी टाइम स्टैम्प टी ये आपको पता ऑलरेडी कि जी आर हमारे टाइम स्टैम्प में ऑपरेट करते हैं टी इक्वल टू वन इक्वल टू टू हर बार आप एक वर्ड भेज रहे हो तो हर टाइम स्टैम्प में आप इस जी आर यू को दो इनपुट देते हो वन इज योर प्रीवियस हिडन स्टेट एंड सेकेंड इज द करेंट टाइम स्टैम्प का इनपुट xt और इन दोनों को मिला करके हमारे GRU का काम है करंट टाइम स्टैम्प के लिए हिडन स्टेट कैलकुलेट करना सो दिस इज द गोल ये इनपुट से ये कैसे निकाला जा रहा है यही हमें समझना है ठीक है और इसी प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारे रीसेट गेट का क्या मतलब है या फिर अपडेट गेट का क्या मतलब है ठीक है बट या ओवरव्यू में यही है कि गोल हमारा है गिवन इनपुट से आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब यहां पर आपको दो तीन चीजें दिख रही होंगी मैं आपको सबसे पहले एक बार क्लियर कर देता हूं कि ये सारी चीजें क्या हैं तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स दिख रहे होंगे h t 1 h t x T, R, T, Z, T, N H, T ये टेल्ड साइन के साथ तो ये सारे क्या है ये हमें समझना है उसके बाद आपको इस तरह से येलो बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे जहां पे ये सिग्मोड का साइन है या फिर टैन एच का साइन है तो ये सब क्या है ये भी हमें एक बार समझना पड़ेगा इसके अलावा आपको एक चीज और दिख रहा होगा और वो है ये पिंक लाइंस लाइंस नहीं सर्कल्स सो क्रॉस इज देयर प्लस इज देयर एंड देर इज माइनस वाला बॉक्स ये क्या है ये भी हमें समझना है ठीक है तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि ये तीनों चीजें क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन सारे आ, टर्म्स का एच टी माइनस वन एच टी एक्स टी आर टी जेड टी एच टी बार या टेल्ड साइन जो भी है सबसे पहले मैं सबका नाम आपको बता देता हूं एच बेसिकली रिप्रेजेंट्स हिडन स्टेट जिसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन आगे बढ़ रहा है अलग अलग टाइम स्टेप्स में तो एच टी माइनस वन हो गया प्रीवियस हिडन स्टेट एच टी हो गया फॉर टाइम स्टैम टी करेंट हिडन स्टेट एक्स टी हो गया करेंट इनपुट आर टी हो गया हमारा रिसट गेट जेड टी हो गया हमारा अपडेट गेट और ये एच टी विद दिस सिंबल इज कॉल्ड कैंडिडेट हिडन स्टेट तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सबको बुलाया क्या जाता है अब अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि मैथमेटिकली स्पीकिंग ये सब के सब क्या हैं? तो आप क्या जवाब दोगे मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये सब के सब वेक्टर्स हैं ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट वेक्टर्स वेक्टर्स मतलब सेट ऑफ नंबर्स ठीक है अब ये कितने डायमेंशन के भी हो सकते हैं यहां पे मैंने फोर डायमेंशन का वेक्टर बनाया बट हो सकता है कि ये फोर्टी डायमेंशन के भी हो सकते हैं हंड्रेड डायमेंशन के भी हो सकते हैं कितने भी डायमेंशन के हो सकते हैं ठीक है अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि एक्स टी को अगर आप छोड़ दो एक्स टी को अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो ये जो बाकी के सारे वेक्टर्स हैं एच टी माइनस वन एच टी रीसेट गेट अपडेट गेट और ये कैंडिडेट हिडन गेट इन सब का जो डायमेंशनलिटी है वो हमेशा सेम रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा ठीक है सो so, अगर एच टी माइनस वन इज अ फोर डायमेंशनल वेक्टर तो ये अपने आप प्रूव कर रहा है कि एच टी भी फोर डायमेंशनल होगा आर टी फोर डायमेंशनल होगा जेड टी भी फोर डायमेंशनल होगा और ये वाला भी फोर डायमेंशनल होगा यू कैन नॉट से दैट अबाउट एच टी एक्स हो सकता है थ्री डायमेंशनल हो या टू डायमेंशनल हो अलग हो सकता है सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है बट नक्शल में अभी हमने ये सीखा कि इन सबको बुलाया क्या जाता है ये सारे के सारे हैं क्या वेक्टर्स और इनमें से एक्स टी को अगर आप हटा दो तो बाकी सारे जो वेक्टर्स हैं उनका जो डायमेंशनैलिटी है डायमेंशनैलिटी का मतलब इस बॉक्स में कितने नंबर्स हैं वो हमेशा सेम रहता है किस चीज पर डिपेंड करता है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे बट आई रियली होप आपको सेटअप का पहला चीज समझ में आ गया अब हम लोग मूव करते हैं अगली चीज पे अगली चीज है ये येलो बॉक्सेस ये येलो बॉक्सेस क्या है तो ये येलो बॉक्सेस आर नथिंग बट दे आर न्यूरल नेटवर्क लेयर्स ठीक है फुली कनेक्टेड लेयर्स मतलब आप इस बॉक्स को एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये सारे क्या हैं ये आपके नोड्स हैं जो आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में पढ़े थे दीज आर ऑल नोड्स अब ऐसे कितने नोड्स होंगे वो आप बताओगे वो एक हाइपर पैरामीटर होता है सो लेट्स से आपने बोला कि नंबर ऑफ नोड्स और हिडन यूनिट्स इज इक्वल टू फाइव तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉक्स के अंदर पांच हिडन यूनिट्स हैं और इन सभी में जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिग्मोइड है ये सिग्मोइड का साइन यही बता रहे हैं। अब दो इंटरेस्टिंग चीजें पहला अगर आपने नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स फाइव बता दिया तो इन तीनों ही बॉक्सेस में इन तीनों ही येलो बॉक्सेस में फाइव यूनिट्स ही होंगे अगर आपने यहाँ पे सिक्स बताया तो इन तीनों में सिक्स होंगे अगर आपने यहाँ पे टेन बताया तो इन तीनों में टेन होंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से यहाँ पर दस यूनिट्स हैं यहाँ पे छ यूनिट्स हैं और यहाँ पे दो यूनिट्स हैं ऐसा नहीं हो सकता बाई डिजाइन अगर आपने बोला कि यहां पर टेन है तो यहाँ भी आपको टेन ही रखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको टेन ही रखना पड़ेगा तो ये पहली बात आपको याद रखनी है कि ऑल ऑफ दी थ्री आर नथिंग बट न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन फंक्शन जैसे यहां पर सिग्मोइड है यहाँ पर सिग्मोइड है बट यहाँ पे टेन एच है ठीक है बट है ये सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क लेयर्स फुली कनेक्टेड लेयर्स ए एन एन सेकेंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इन लेयर्स में नंबर ऑफ नोड्स हमेशा बराबर होंगे अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप यहां पर जितना स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स आप यहां पे लेट्स से बोलते हो थ्री तो यहां भी थ्री और यहां भी थ्री एग्जैक्टली exactly वही डायमेंशन होगा इन सारे वेक्टर्स का ये जो एच टी माइनस वन है एच टी है आर टी है जेड टी है और ये कैंडिडेट हिडन स्टेट है इन सब का डायमेंशनैलिटी एग्जैक्टली exactly वही होगा जो आपने यहाँ पे बताया है एंड दिस इज बिग प्लस पॉइंट एटलीस्ट अभी के लिए आगे तो आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा बट ये अभी एटलीस्ट चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है थेके? तो हमने ये समझ लिया हमने ये भी समझ लिया अब इसकी बात करते हैं यह सब के सब पॉइंट वाइज ऑपरेशन है लाइक दिस इज पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन दिस इज पॉइंट वाइज एडिशन दिस इज पॉइंट वाइज वन माइनस पॉइंट वाइज मतलब एलिमेंट वाइज तो आप ऐसे मान के चलो जैसे कि यहां पर एच टी माइनस वन आ रहा है और यहां से आर टी जा रहा है एच टी माइनस वन और आर टी दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों का डायमेंशनैलिटी सेम है मान लो एच टी माइनस वन है ए बी सी और आर टी है टी ई एफ तो ये जो साइन है ये सिंपली बोल रहा है कि आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा जहां पर पहला आइटम होगा ए डी दूसरा आइटम होगा बीई और तीसरा आइटम होगा सी एफ सिमिलरली अगर आप प्लस करते तो आपको ये मिलता ए प्लस डी बी प्लस ई सी प्लस एफ ठीक है तो दीज पिंक बॉक्सेस आर नथिंग बट एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस ठीक है तो सेटअप मैंने आपको समझा दिया तीन कंपोनेंट्स थे समझाने के लिए ये वेक्टर्स, ये न्यूरल नेटवर्क लेयर्स और ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस ये तीनों हमने समझ लिए अब अगर आप इतने के साथ कंफर्टेबल हो तो ट्रस्ट मी यू आर मोर देन रेडी टू अंडरस्टैंड कि ये एच टी कैसे कैलकुलेट हो रहा है और इसी को समझने के प्रोसेस में हम ये पूरा आर्किटेक्चर रिसर्ट गेट अपडेट गेट डिटेल में समझेंगे अच्छा गाइज एक और चीज़ सिंस मैं आप लोगों को कोई भी अजम्पन लेके नहीं पढ़ाना चाहता हूँ तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ने के पहले कि ये जो एक्स है जो मेरा करेंट टाइम स्टैम्प टी पे इनपुट है ये वेक्टर क्यों है ठीक है हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको आर एन एन पढ़ाते टाइम भी एक्सप्लेन किया था एल एस टी एम पढ़ाते टाइम भी एक्सप्लेन किया था फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं सो so, मान लो हम एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास एक टेक्स्ट है और उसका रिव्यू है और मान लेते हैं कि हमारे पास तीन टेक्स्ट हैं। सो so, पहला टेक्स्ट है कैट मैट रैट रिव्यू वन है सेकंड है कैट रैट रैट थर्ड है मैट रैट मैट ये हमारा डेटा है अब ऑब्वियसली ये जो हमारा आर एन एन आर्किटेक्चर है जी आर यू ये वर्ड्स तो समझिए समझ नहीं पाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें किसी तरीके से इन वर्ड्स को इन इस पूरे सेंटेंस को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैक्टराइज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे टेक्स्ट वैक्टराइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं मल्टीपल टेक्निक्स है पढ़ा रखा है मैंने आपको एनएलपी एल प्ले लिस्ट में यू कैन यूज अ सिंपल टेक्निक लाइक ओ एच ई और बैग ऑफ वर्ड्स और यू कैन यूज थोड़ा एडवांस लेवल टेक्निक्स लाइक आपका वर्ड टू वैक हो गया या और भी किसी फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग को आप यूज कर सकते हो तो ओवेचई के एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ कि एक्स की वेक्टर कैसे बन गया तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो आप पता कर रहे हो कि आपके पास टोटल यूनिक वर्ड्स कितने हैं सो यहाँ पर तीन यूनिक वर्ड्स है कैट मैट और रैट तो ऑब्वियसली आप कैट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे आप मैट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऐसे और आप रैट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे गोइंग बाय दिस लॉजिक इस सेंटेंस को आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे कैट के बदले ये रैट के बदले ये और रैट के बदले ये सिमिलरली थर्ड वाले सेंटेंस को कैसे लिखोगे मैट के बदले ये रैट के बदले ये और फिर से मैट के बदले ये तो ये हो गया मेरा सेंटेंस वन ये हो गया मेरा सेंटेंस टू ये हो गया मेरा सेंटेंस थ्री अब मुझे क्या करना है कि एक बार में एक सेंटेंस को भेजना है आई एम सॉरी एक वर्ड को भेजना है तो जब हम इस पूरे सेंटेंस को प्रोसेस कर रहे होंगे तो तीन टाइम स्टैम्स हमें लगेंगे पहले टाइम स्टैम में जो मेरा एक्स टी होगा वो ये चीज होगी फिर दूसरे टाइम स्टैम में जो एक्स टी होगा वो ये चीज़ होगी हो हो और फिर तीसरे टाइम स्टैम में जो मेरा एक्स टी होगा वो ये चीज़ होगी और इस तरीके से मेरा एस वन का काम का खत्म हो जाएगा फिर मैं एस टू में घुसूंगा पहले टाइम मेरा पहला एक्स टी होगा ये मेरा दूसरा एक्स टी होगा और ये मेरा तीसरा एक्स टी होगा एंड सो ऑन तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एन इनपुट इन टू अ वैक्टर सो दिस विल बी समर अब ये किसी भी टाइप का वैक्टर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा टेक्स्ट वेक्टराइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हो ये बस आपको एक क्लैरिफाई करना था इसलिए मैंने बता दिया तो so हमने कर लिया सारा प्रिपरेशन नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंडर ऑफ जी आर यूज तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पूरा गोल होता है जी आर यू का वो ये होता है कि आपको फॉर एनी टाइम स्टैम्प ये दो चीजें मिल रही हैं और इससे आपको कैलकुलेट करना है ये चीज ये आपको मिल रहा है ये भी आपको मिल रहा है आपको ये कैलकुलेट करना है गोल यही है बट ये पूरा काम एक्चुअली चार स्टेप्स में डिवाइडेड है तो हम उन चार स्टेप्स को पहले एक बार देखेंगे और फिर एक एक करके सारे स्टेप्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे तो जो पहला स्टेप होता है ना वहाँ पे आप क्या करते हो यू कैलकुलेट आर टी जिसको हम रीसेट गेट बोलते हैं दिस इज स्टेप वन ये चीज कैलकुलेट करना ठीक है स्टेप टू इज कैलकुलेटिंग दिस थिंग जिसको हम कैंडिडेट हिडन स्टेट बोलते हैं उसके बाद वी कैलकुलेटेड टी जिसको हम अपडेट गेट बोलते हैं एंड वंस वी आर डन विथ दीज थ्री स्टेप्स द लास्ट स्टेप इज टू एक्चुअली कैलकुलेट एच टी जिसको आप करंट हिडन स्टेट बोलते हो सो so, अगर मैं आपको एक फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो आपको एच टी चाहिए है जो आपको दो चीजों से मिलता है एक एच टी माइनस वन और दूसरा एच टी टेल्ड साइन बेसिकली कैंडिडेट सेल स्टेट और इन दोनों को मिलाने के लिए आप यूज करते हो अपडेट गेट ठीक है एच टी चाहिए है एच टी बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और वो कॉम्बिनेशन डिसाइड कौन करता है जेड टी थी, ठीक है अब एच टी साइन जो है कैंडिडेट हिडन स्टेट ये एक्चुअली बनता है दो चीजों से एक आपका एच टी माइनस वन और दूसरा आपका एक्स टी बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आर टी विच इज योर रिसेंट गेट आई एम सॉरी रिसेट रीसेट गेट सॉरी रिसेट गेट ठीक है तो दिस इज द फ्लो डायग्राम दैट इज वाई मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो दिस इज योर स्टेप वन कैलकुलेटिंग दिस सो so दैट आप इसको यूज करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओ और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सेकेंड स्टेप में ये कैलकुलेट करो ठीक है जैसे ये कैलकुलेट हो गया तो फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसके हेल्प से तो हमें ये चाहिए तो दिस इज स्टेप थ्री ये लगाओ और फाइनली जब ये तीनों स्टेप्स हो गए तो फिर आप स्टेप फोर पे जाओ और आप ये कैलकुलेट करो तो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ जी आर यू लाइक क्रोनोलॉजिकली इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इस तरीके से होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे एक एक करके ये चारों स्टेप्स देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्यूटिव लेवल पे समझने के लेवल पे हो क्या रहा है चल क्या रहा है ठीक है तो गाइज आर्किटेक्चर तो पढ़ना ही है बट अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेन गोल होता है जी का वो ये होता है कि फॉर एनी टाइम स्टेप टी आपको पिछले टाइम स्टेप का हिडन स्टेट मिलता है और करेंट टाइम स्टेप का इनपुट मिलता है और इससे आपको कैलकुलेट करना होता है करेंट टाइम स्टेप का हिडन स्टेट तो एक काम करते हैं एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं कि ये जो हिडन स्टेट है इंट्यूटिवली स्पीकिंग ये होता क्या है इसकी समझ एक बार डेवलप करते हैं मैथमेटिकली तो हमें पता है कि ये वेक्टर है वेक्टर है मतलब सेट ऑफ नंबर्स है बट ये सेट ऑफ नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसकी समझ अगर आपको आ गई ना तो आगे का जो वीडियो है बहुत आसान हो जाएगा अब ये पूरी चीज़ समझाने के लिए मैं एल में मैंने जो कहानी शेयर की थी आपके साथ वो कहानी फिर से यूज करने वाला हूँ सो अगर आपको याद होगा एल पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाई थी कि एक राजा था विक्रम जो कि बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल था उसका एक एनिमी था काली उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई और विक्रम मर गया विक्रम का एक बेटा था जो बिल्कुल अपने फादर की तरह था उसने बदला लेने के लिए काली पे अटैक किया बट वो भी मर गया फाइनली विक्रम के बेटे का जो बेटा था एज इन विक्रम का जो पोता था वो बड़ा हुआ और उसने भी काली से लड़ाई की और उसने फाइनली काली को मार गिराया और उसने बदला ले लिया अपने पापा का और अपने दादा का ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी अब मैं क्या करूँगा इस कहानी को यूज़ करके आपको ये एच एज एन हिडन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसका एक इंट्यूशन देने की कोशिश करूंगा ठीक है तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल वन वर्ड आंसर दू कि ये हिडन स्टेट होता क्या है तो आप इसको एक्चुअली मेमोरी ऑफ द सिस्टम बुला सकते हो ये और कुछ नहीं है ये मेमोरी है बेसिकली जब आप टाइम स्टेप बाय टाइम स्टेप कुछ वर्ड्स इस सिस्टम में डाल रहे हो तो आप चाहते हो कि ये जो जी आर यू है या फॉर दैट मैटर जो एल एस टी एम है ये लोग एक मेमरी बना के रखें एक कॉन्टेक्स्ट बना के रखें कि चल क्या रहा है राइट right. एक एग्जांपल लेते हैं मान लो हमें ये पूरी कहानी इस जी आर यू में डालनी है और फिर हमें इससे पूछना है कि बताओ इस कहानी की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है या फिर सैड एंडिंग है सेंटिमेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम एक बार में एक पूरा सेंटेंस यहाँ पे डाल रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि जैसे मान लो आप इस स्टेप पे हो अभी तो यहां तक की कहानी का एक कुछ मेमरी हमें पता होना चाहिए तभी तो हम प्रोसेस कर पाएंगे अगले सेंटेंस को और उसके अगले सेंटेंस को एंड सो ऑन तो इन अ वे ये जो हिडन स्टेट है ये एक्चुअली मेमोरी का काम करता है और इस मेमोरी में आप कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करते हो तो इन अ वे ये जो नंबर्स हैं क्योंकि हिडन स्टेट इज बेसिकली अ वेक्टर सेट ऑफ नंबर्स तो ये नंबर एक्चुअली इंट्यूटिवली स्पीकिंग दे रिप्रेजेंट सम फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा ये जो एच टी माइनस वन है या फिर ये जो एच टी है ये दोनों वेक्टर्स फोर डायमेंशन के हैं विच मीन एट एनी पॉइंट एच टी माइनस वन को अगर आप देखना चाहोगे या एच टी को देखना चाहोगे तो वो हमेशा चार नंबर्स के फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा ठीक है अब सवाल ये आता है कि ये चार नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्टिवली ये चार नंबर्स आपके कहानी का अभी तक का कॉन्टेक्स्ट बताते हैं ठीक है अब ये चार नंबर्स में इंडिविजुअली हर नंबर कोई एक एस्पेक्ट ऑफ द कहानी पकड़ के चल रहा है जैसे कि हम मान सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जब भी कोई राजा इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत पावरफुल था ये था वो था तो वो उस कहानी के पावर एस्पेक्ट में आ रहा है सेकेंड नंबर लेट्स से रिप्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हो गई दिस इज कॉन्फ्लिक्ट थर्ड नंबर रिप्रेजेंट्स ट्रेजिडी मतलब कोई मर गया फोर्थ नंबर रिप्रेजेंट्स रिवेंज किसी ने बदला लिया किसी का हो सकता है ना इस कहानी के हिसाब से अगर हम चार नंबर लेके चल रहे हैं तो ये और भी हो सकता है एक्चुअली आप पता नहीं कर सकते हो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बस वो नंबर है डीप लर्निंग का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लैक बॉक्स वी अंदर क्या चल रहा है बट जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया so, लो अगर किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे एच टी माइनस वन ये है point 9, point 0, point 0, point 0. तो इस पॉइंट पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कहानी का सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट है कि, कि किसी के बारे में बताया गया है जो बहुत पावरफुल है जैसे ही ये वाला बढ़ जाएगा तो हम समझेंगे कि कहानी में इस पॉइंट तक कुछ राजा लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया और उनके बीच लड़ाई हुई है जैसे ही ये एस्पेक्ट बढ़ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि यार कुछ गलत हुआ कोई मर गया और जैसे ही ये बढ़े, बढ़ेगा तो हम समझेंगे बदला लिया गया ठीक है तो मैं आपको एक रफ इंट्यूशन देता हूँ सेंटेंस बाय सेंटेंस आगे बढ़ के कि किस तरीके से हमारा जो जी है वो मेमोरी रखने की कोशिश करता है तो मान लो हमने पहले टाइम स्टेप में लेट्स से टी इक्वल टू वन में हमने ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्स टी के थ्रू फीड किया तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है देर वाज अ किंग विक्रम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल तो देर इज अ चांस कि अभी हमारा एच टी एक्चुअली शुरू में मान के सक, मान सकते हैं कि एकदम शुरू में एच टी माइनस वन पूरा जीरो 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 था फिर ये पहला सेंटेंस घुसा एक्स के थ्रू एच so, टी क्या बन गया एच टी बन गया ये दिस रिप्रेजेंट्स कि अभी हमारे पास जो कहानी में कॉन्टेक्स्ट है वो बस power के के से related है किसी राजा के बारे में में हुआ. हुआ? अब क्या हुआ? अगले time step में हम गए अगला time step है इक्वल टू टू तो अब ये जो एच टी था वो अगले टाइम स्टेप के लिए एच टी माइनस वन बन गया ठीक है और हमने यहां से एक्स टी का इनपुट दिया जहां पे हमने बोला देर वॉज एन एनिमी किंग काली तो यहां पर हमने एक और राजा को डिस्क्राइब किया है तो ये पॉइंट नाइन से वन हो गया और बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास दो राजाओं का कॉन्टेक्स्ट है दो राजाओं के पावर का कॉन्सेप्ट है और कॉन्फ्लिक्ट हमारा बढ़ करके पॉइंट फाइव पे चला गया वाई बिकॉज यहाँ पे एनिमी वर्ड यूज हुआ है ट्रेजडी अभी भी जीरो है रिवेंज अभी भी जीरो है ये हमारा सेकेंड टाइम स्टेप खत्म हो गया के लिए अब ये हमारा एक्स टी माइनस वन बन गया और हमने एक्सटी से थर्ड सेंटेंस भेजा बोथ हैड अ वॉर एंड काली किल्ड विक्रम अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पावर थोड़ा सा घट गया क्यों घट गया बिकॉज विक्रम मर गया तो उससे रिलेटेड जो भी पावर कॉन्टेक्स था वो हमने घटा दिया वेर एज कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा और बढ़ गया

थोड़ा सा रिड्यूस हो गया बिकॉज हो सकता है बीच में एक ऐसा पीरियड चल रहा हो जहां पे लड़ाइयां नहीं हुई ट्रेजिडी भी थोड़ा सा कम हो गया फिलोसफिकली स्पीकिंग पुरानी बात हो गई विक्रम का डेथ रिवेंज अभी भी जीरो है फिर आया टाइम स्टेप फाइव ही ऑल्सो अटैक्ट काली बट गॉट किल्ड सो यहां पे पॉइंट एट हो गया कॉन्फ्लिक्ट हो गया ट्रेजिडी बढ़ गई बिकॉज अब हमारे दिमाग में या इस जी के दिमाग में दो राजा लोगों के मरने का कॉन्टेक्स्ट है तो ट्रेजिडी बढ़ गई रिवेंज भी बढ़ गया बिकॉज विक्रम के बेटे ने बदले में आकर के अटैक किया था अगले टाइम स्टेप पे जाते हैं विक्रम जूनियर टू हैड अ सन कॉल्ड विक्रम सुपर जूनियर एंड व्हेन ही ग्रू ही ग्रप ही ऑल्सो फॉर्ट काली ये वापस वन पे आ गया बिकॉज एक और राजा का एंट्री हो गया कॉन्फ्लिक्ट बहुत हाई है पॉइंट नाइन तीसरी बार लड़ाई हो रही है ट्रेजिडी uh, थोड़ा सा कम है और रिवेंज पॉइंट सेवन है और फाइनली आखिरी सेंटेंस में लिखा है एंड ही किल्ड काली एंड टुक रिवेंज ऑफ हिस्स फादर एंड ग्रैंड फादर तो यहाँ पे हम पॉइंट सेवन पे आ गए क्योंकि काली मर गया तो पावर अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया बिकॉज वॉर इज ओवर ट्रेजिडी एक्चुअली कम हो गया बिकॉज काली इज द विलन तो उसके मरने पे हम ट्रेजिक फील नहीं कर रहे और रिवेंज वन पे चला गया एंड दिस इज द फाइनल कॉन्टेक्स्ट जब आप कहानी पढ़ के बाहर आए तो आपसे किसी ने बोला कि बताओ भाई आ, कैसी लगी कहानी तो आप बोलोगे कहानी में काफी मसाला था पॉइंट सेवन पावर था पॉइंट एट कॉन्फ्लिक्ट था बिकॉज खूब सारे वॉर थे 0.3 थ्री ट्रेजिडी था लोग मरे बट एंड में हैप्पी एंडिंग था और रिवेंज तो भाई भर के था तो दिस इज हाउ द जी आर यू और फॉर दैट मैटर एल एस टी एम दे आर ट्राइंग टू मेंटेन अ कॉन्टेक्स्ट थ्रू हिडन स्टेट अब जो पूरा गोल है हमारा जो हमें पूरा समझना है वो ये है कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं इससे ये कैसे बना इससे ये कैसे बना इससे ये कैसे बना इससे ये कैसे बना ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना यहीं पर आपके दो गेट्स का बहुत रोल है वन वन ऑफ देम इज इज गेट गेट एंड द अपडेट इन्हीं दोनों का मेन रोल है जिनसे ये ट्रांजिशन हो रहा है और वही हमें सीखना है बट आई रियली होप ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये आपको थोड़ा सा इंट्यूशन दिया कि कैसे ये वेक्टर्स के मैनिपुलेशन से आप कॉन्टेक्स्ट को स्विच करवा पा रहे हो या बदल पा रहे हो स्टेप बाय स्टेप ठीक है तो या लेट्स मूव ऑन टू द आर्किटेक्चर अच्छा एक चीज और अभी मैंने आपको काइंड kind ऑफ of हमारा इंटेलिजेंस लगा करके समझाया कि एच टी माइनस वन जो हमारा प्रीवियस मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट है उससे एचटी कैसे फॉर्म हो रहा है राइट right? ये हमने हमारे डिस्कशन के बेसिस पे हमारे इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे किया एक बार आपको ये भी समझना पड़ेगा आर्किटेक्चर में घुसने के पहले कि ये काम जी आर यू कैसे करता है सो एसेंशली जी आर यू इस टास्क को जहां पे उसको प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट प्रीवियस मेमोरी से करंट कॉन्टेक्स्ट करंट मेमोरी पे आना है वो इस काम को टू स्टेप्स में करता है सो इन द फर्स्ट स्टेप जी आर यू क्या करता है कि वो एच टी माइनस वन विच इज अभी तक पास्ट अभी तक की पास्ट मेमोरी उससे वो एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैंडिडेट मेमोरी या फिर कैंडिडेट हिडन स्टेट और फिर वो इस कैंडिडेट हिडन स्टेट से एच बनाता है तो दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू ठीक है अब एक बार मैं आपको थोड़ा समझाता हूं विथ एन एग्जाम्पल कि स्टेप वन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और स्टेप टू कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग कहीं बीच में हैं तो आप ऐसे मानो कि हमने ये पार्ट पढ़ लिया कि राजा है एक विक्रम बहुत पावरफुल है बहुत स्ट्रांग है उसका एक दुश्मन है काली और उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई और काली ने विक्रम को मार दिया मान लो हमने यहाँ तक की कहानी पढ़ ली तो अभी तक का एच टी माइनस वन जो है उसमें इन तीन लाइंस का समरी होगा और मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो समरी है वो चार एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है पहला पावर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट तीसरा ट्रेजिडी और चौथा रिवेंज तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अभी तक हम अपने कॉमन सेंस से जितनी भी हमने कहानी को समझा है उसके हिसाब से इस पॉइंट पे पावर मान लेते हैं पॉइंट फाइव के आसपास क्योंकि पहले विक्रम का इंट्रोडक्शन हुआ कि बहुत पावरफुल है बट वो मर गया तो हमारे दिमाग में आया कि मे बी उतना पावरफुल नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सिक्स है बिकॉज जस्ट अभी एक लड़ाई हुई है ट्रेजिडी बहुत हाई है बिकॉज जस्ट अभी विक्रम की मौत हुई है रेवेंज अभी जीरो है या बहुत क्लोज टू जीरो है बिकॉज रिवेंज का अभी तक कोई एलिमेंट नहीं आया है. तो ये हमारा अभी का एच टी माइनस वन है अभी तक का पास्ट मेमरी ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही एक नया सेंटेंस दिया जाएगा विच इज द करेंट इनपुट जैसे हमारे केस में द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस वन विक्रम हैज विक्रम जूनियर हु एंड ही ऑल्सो बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक हिज फादर ये हमें इनपुट दिया गया तो हमें इस करेंट इनपुट के बेसिस पर एक नया मेमोरी फॉर्म करना है जो कि कैंडिडेट मेमोरी है मतलब ही इज द दिस मेमोरी इज द कैंडिडेट टू बिकम एच टी ठीक है तो हमें एक एच टी बनाना है जो फ्यूचर में एचटी बनेगा ठीक है बट ये एचटी बार बनेगा कैसे विद द हेल्प ऑफ एक्सटी और अभी तक का पास्ट मेमोरी ठीक है तो ये जो सेंटेंस अभी हमें मिला जहां पर एक नए राजा के बारे में बात हो रही है तो अगर आप इसके बेसिस पे मेमोरी फॉर्म करने जाओ तो पावर का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि हम फिर से एक नए राजा की बात कर रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज अब जब ये बड़ा हो रहा है उस टाइम कोई लड़ाई नहीं हो रही है ट्रेजिडी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज विक्रम के मरे हुए थोड़ा टाइम हो गया और मे बी रिवेंज का एस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ेगा बिकॉज कहानी में आप ये सेंस कर पा रहे हो कि रिवेंज लेने का कुछ कोशिश करेगा विक्रम का बेटा राइट तो दिस इज योर एज Tild, like this is your टिलेट state to तो ho हो गया 1 hamara हमारा this is step 1 jahan pe aapne आपने अपने पुराने context पुरानी memory को पकड़ा करेंट इनपुट को पकड़ा और उसके बेसिस पे आपने कैंडिडेट memory फॉर्म की जिसके अंदर पोटेंशियल है नेक्स्ट memory बनने का बट हम डायरेक्टली इस कैंडिडेट मेमोरी को एच नहीं बना सकते सोच के देखो क्या हम डायरेक्टली एच एचटी बना सकते हैं हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत इनक्लाइंड तो इंक्लाइंड है ना कि करेंट इनपुट में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो ओवरऑल स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह एच टी बार जो है या टेल्ट जो है इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने मेमोरी बिल्ड की है बट क्या वो ओवरऑल के हिसाब से अच्छा है ये हमें नहीं पता तो वॉट यू डू इस आपके पास एच टी माइनस वन है अभी तक की कहानी का समरी और आपके पास एच टी टेल्ड या बार है जो करेंट इनपुट के बेसिस पे आपने एच टी माइनस वन में चेंजेस करके अचीव किया अब आप क्या करते हो सेकेंड स्टेप में आप इन दोनों को बैलेंस करते हो बैलेंस कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे बट आप इन दोनों को बैलेंस करते हो इनके बीच में जाते हो कहीं पर अब अगर करेंट इनपुट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के परस्पेक्टिव से तो हम इसको ज्यादा वेटेज देंगे अगर जो करेंट इनपुट है वो मान लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के परस्पेक्टिव से तो हम इसको ज्यादा वेटेज देंगे तो ये डायनामिक रहता है बट इन दोनों के बीच में आप बैलेंसिंग करके इवेंचुअली एच टी निकालते हो विच इज योर फाइनल कॉन्टेक्सट ठीक है जैसे कि अगर आप इन दोनों के बीच में इक्वल बैलेंसिंग करो तो देर इज अ चांस कि पावर आ जाएगा कहीं पेट फाइव के बराबर आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा पॉइंट फाइव के बराबर आपका रिवेंज आ जाएगा पॉइंट आई एम सॉरी ट्रेजिडी आ जाएगा पॉइंट सिक्स के बराबर और आपका रिवेंज आ जाएगा पॉइंट टू के बराबर तो दिस इज योर एच टी आफ्टर द इनपुट ऑफ एच टी ये है आपका अभी तक का कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी अबाउट द ओवरऑल स्टोरी कि पावर थोड़ा सा बढ़ा है कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा घटा है ट्रेजिडी थोड़ा सा घटा है लेकिन रिवेंज बढ़ गया है बिकॉज एक नया राजा आया है तो ये दो स्टेप्स में आप एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन करते हो एच टी माइनस वन एंड एच टी तक कैसे पहुंचना है तो अभी हमने जस्ट समझा कि एच टी माइनस वन विच इज अभी तक की पास्ट मेमोरी से एच टी तक पहुँचने का जो रास्ता है करंट मेमोरी तक पहुँचने का जो रास्ता है इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस पहले आप एच टी माइनस वन से ये कैंडिडेट मेमोरी बना रहे हो और फिर कैंडिडेट मेमोरी को यूज़ करके आप एच टी बना रहे हो ठीक है बट ये समझाने के लिए भी मैंने आपको थोड़े से अजम्पन्स लेके समझाया कि जैसे हमने माना कि ये एच टी माइनस वन है और फिर बेस्ड ऑन द करेंट इनपुट मैंने ये लिख दिया कि ये हो सकता है कि हमारा कैंडिडेट मेमोरी हो बट अगेन ये कैलकुलेशन भी जी खुद से कर रहा है तो थोड़ा सा ना हम इस टू स्टेप प्रोसेस को और ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्चुअली ये एच टी माइनस वन से एच टी कैसे बन रहा है और एच टी से ये एच टी कैसे बन रहा है सो so एक्चुअली यहाँ पर ही गेट्स का कॉन्सेप्ट आता है ठीक है तो ये जो कन्वर्जन है ये एक गेट के हेल्प से होता है जिसको हम बोलते हैं रीसेट गेट हमारे डायग्राम में यू कैन सी ये जो गेट है ना उसका काम है ये कन्वर्जन करवाना और ये जो कन्वर्जन होता है ना ये होता है हमारे दूसरे गेट की वजह से जिसको हम बोलते हैं अपडेट गेट और इसको हम जेड टी बुलाते हैं और वो आपको इस डायग्राम में यहां पे दिखाई देगा ठीक है तो एसेंशली हमें यह समझ में आया कि एच टी माइनस वन से आप आर टी का हेल्प लेकर के कैंडिडेट मेमोरी बना रहे हो और फिर आप कैंडिडेट मेमोरी से जेड टी का हेल्प लेकर के करंट मेमोरी या करेंट हिडन स्टेट बना रहे हो ठीक है तो एक काम कर रहा हूं मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक फ्लोचार्ट दे रहा हूं कि ये पूरा का पूरा चीज काम कैसे करता है लाइक द मैथमेटिकल ओवरव्यू ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एच टी माइनस वन होता है जो आपका अभी तक का मेमोरी है और आपके पास एक्स टी होता है जो आपका करेंट सेंटेंस है या करेंट पैराग्राफ है करेंट वर्ड है जो भी है आप इन दोनों को मिला करके आर टी बनाते हो आर टी क्या है आपका रीसेट गेट ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो कि आप आर टी और एच टी को मिला करके ये बनाते हो ठीक है बाय द वे इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटेड या फिर रीसेटेड हिडन स्टेट ये सब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जैसे ही आपको ये मिल जाता है आप फिर से एक्स टी को लेते हो और इन दोनों को मिलाते हो और इस प्रोसेस से आपको कैंडिडेट मेमोरी मिलता है ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो कि आप साइड में फिर से एच टी माइनस वन को लेते हो विच इज दिस थिंग एंड एक्स टी को लेते हो और इन दोनों को मिला करके जेड टी बनाते हो विच इज योर अपडेट गेट और फिर जैसे ही आपके पास ये आ गया ये आ गया आप वापस एच टी माइनस वन को लेते हो और इन तीनों को मिला करके आप एच टी बनाते हो लाइक दिस इज द मैथमेटिकल फ्लो चार्ट ऑफ जी आर यू फर्स्ट so स्टेप जहां पर हम एच टी माइनस वन से हम एच टी बना रहे हैं ठीक है अब यहां से इस स्टेज में रीच करने के लिए आपको हेल्प कौन कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है आर टी और यहां से सेकंड स्टेप में रीच करने के लिए आपको हेल्प कौन कर रहा है जेड टी ठीक है अब आई नो इस पॉइंट पे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन क्यूरियोसिटी होगी कि सबसे पहले तो ये आर टी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये जेड टी एक्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है या फिर ये मॉड्यूलेटेड हिडन स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेट्रा तो अब हमें यही सब समझना है चलो चलोगाइज अब हम लोग फाइनली आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ होगी इस पूरे आर्किटेक्चर में वो है कैलकुलेशन ऑफ आर टी रीसेट गेट कैलकुलेट होगा ठीक है कैलकुलेट uh, कैसे होगा बताने के पहले आपको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि रीसेट गेट जो है वो क्या है तो आर टी जो है ना मैथमेटिकली स्पीकिंग इट्स अ वेक्टर और इसका शेप या डायमेंशन एग्जैक्टली exactly वही होगा जो एच टी माइनस वन का है ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो एच टी माइनस वन हमें हमने डिस्कस कर रखा था कि चार चीजों से मिलके बना है पावर कॉन्फ्लिक्ट ट्रेजिडी एंड रिवेंज तो सिमिलरली आपका आर टी विल ऑल्सो कंटेन फोर नंबर ठीक है बट एट द सेम टाइम आर टी इज ऑल्सो अ गेट गेट का मतलब यह है कि आर टी के अंदर जो चारों नंबर्स होंगे वो सब के सब जीरो से वन के बीच में होंगे ठीक है अगर ये नंबर जीरो है तो आप ऐसे समझो आर टी इज क्लोज फॉर दैट पर्टिकुलर डायमेंशन इफ इट इज वन तो इट मीन आर इज ओपन और फुली ओपन फॉर दैट पर्टिकुलर डायमेंशन तो आर टी एक्चुअली एक गेट की तरह काम करता है ठीक है तो इसको रीसेट गेट क्यों बोला जाता है वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ उसके लिए फिर से हमें अपनी कहानी पे जाना पड़ेगा तो हमारी कहानी में मान लो हम पहला तीन सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं विक्रम की एंट्री हो चुकी है काली की एंट्री हो चुकी है और उन दोनों के बीच वॉर हो चुका है और विक्रम मर चुका है अब यहां तक का हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है और जो नया सेंटेंस है वो है विक्रम जूनियर के बारे में कि कैसे वो अपने बाप के जैसे बहुत स्ट्रांग है ठीक है तो रीसेट गेट एग्जैक्टली क्या करता है कि वो बेस्ड ऑन द करेंट इनपुट आपके एच टी माइनस वन के कुछ डायमेंशंस को रीसेट करता है ठीक है एक बार मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं जैसे मान लो इस पॉइंट पे आफ्टर दीज थ्री सेंटेंसेस एच टी का वैल्यू एक्चुअली एच टी माइनस वन का वैल्यू ये है पावर है पॉइंट uh, तो सिक्स ही मुझे ये नया सेंटेंस मिला कि विक्रम जूनियर विक्रम का बेटा है और अपने बाप जितना ही पावरफुल और स्ट्रांग है तो एक्चुअली आप क्या चाह रहे हो कि आप पुराना जो मेमोरी है उसके कुछ पार्ट्स को आप रीसेट करना चाह रहे हो जैसे कि इस सेंटेंस के बेसिस पे मैं एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन का काफी पार्ट रखना चाहूंगा बिकॉज हम यहाँ पे विक्रम जूनियर के पावर की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला काफी इंफॉर्मेशन रिटेन करना चाहेंगे ये है कॉन्फ्लिक्ट सिंस हमारे करेंट स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं है हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रीसेट करना चाहेंगे लोअर करना चाहेंगे अगला है ट्रेजिडी सिंस यहाँ पर कोई मर नहीं रहा कोई दुख नहीं है तो हम इसको भी थोड़ा सा लोअर करना चाहेंगे रीसेट करना चाहेंगे और सिंस हो सकता है विक्रम का बेटा बढ़ाओ के बदला ले तो रिवेंज का थोड़ा सा स्टोरी में इनफ्लो हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा हायर करना चाहेंगे या फिर ऐसे बोला जाए कि इसका ज़्यादातर कंपोनेंट हम रिटेन करना चाहेंगे तो इस स्टेप के बाद हो सकता है कि आपका आर टी का जो वैल्यू है वो ऐसा दिखाई दे रहा है सो पॉइंट एट एंड पॉइंट नाइन इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ जब मैं बोल रहा हूँ कि आर टी में ये पहला डायमेंशन पॉइंट एट है इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने एग्जिस्टिंग पास्ट मेमोरी में से 80% परसेंट रिटेन करना चाह रहा क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें मैं सिर्फ ट्वेंटी परसेंट रिटेन करना चाह रहा हूं बाकी मैं हटाना चाह रहा हूं बिकॉज करेंट स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा ट्रेजिडी को भी मैं सिर्फ टेन परसेंट रिटेन करना चाह रहा हूं बिकॉज अब वो पुरानी बात हो गई बट मैं रिवेंज को 90% परसेंट रिटेन करना चाह रहा कम है ये कम है, लेकिन मैं 90% परसेंट जो भी है उसको रिटेन करना हूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि रिवेंज गोइंग फॉरवर्ड इस मोमेंट से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनने वाला है तो आर टी एग्जैक्टली इज अ गेट जो एक वेक्टर के फॉर्म में है और उसका काम है आपके पास्ट मेमोरी में से चीजों को रीसेट करना बेस्ड ऑन इनपुट ठीक है अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे क्या होता है बहुत सिंपल है सो आपको बस क्या करना है इस डायग्राम पे फोकस करना है इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं साथ ही साथ अपना खुद का एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप जो अननेसेसरी चीजें हैं उस पर फोकस ना करो सो so, हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारा कॉन्टेक्स पास हो रहा है यहाँ पे एच टी माइनस वन है और ये दोनों हमारा एच टी है ठीक है और यहाँ से हमारा करंट इनपुट जा रहा है तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एच टी माइनस वन को लेते हो और आप x t को लेते हो और इन दोनों को उठाते हो और एक न्यूरल नेटवर्क लेयर में डाल देते हो सिग्मोइड न्यूरल नेटवर्क लेयर में और इससे आपको मिलता है आर टी ठीक है मैथमेटिकली स्पीकिंग आर टी इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ सम वेट लेट्स कॉल दिस वेट wr dot डॉट प्रोडक्ट द of ऑफ एच टी माइनस वन एंड एक्स प्लस बायस ठीक है सिंस हमारा एच टी माइनस वन इज अ फोर डायमेंशनल वेक्टर तो हमें पता है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क लेयर है इसमें एक्चुअली चार नोट्स होंगे ठीक है हम क्या कर रहे हैं इसमें हमारा फोर डायमेंशनल एच टी माइनस वन डाल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम अपने कहानी के हर सेंटेंस को थ्री नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेसिकली एक्स टी इज अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर तो उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है एंड नाउ दिस थिंग इज अ फुली कनेक्टेड लेयर ठीक है सो so, यहाँ पे टोटल आपके पास सेवन है और यहाँ पे आपके पास फोर है तो यहां पर आपके पास ये जो डब्ल्यू आर होगा दैट सेवन क्रॉस फोर ट्वेंटी एट वेट्स होंगे और बायसेस कितने होंगे चार बाइसेस होंगे तो इतने आपके पैरामीटर्स हैं इस जगह पे ठीक है अब एक बार देख लो आपका ये सेवन क्रॉस वन है और यहाँ पे वेट जो है या इसको ऐसे बोलो वन क्रॉस सेवन है ट्रांसपोज कर लिया और यहाँ पे वेट सेवन क्रॉस फोर है तो जब ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको मिलेगा वन क्रॉस सेवन डॉट प्रोडक्ट सेवन क्रॉस फोर ये दोनों सेम है आपको मिलेगा वन क्रॉस फोर इसमें आप बायस को ऐड कर रहे हो विच इज वन क्रॉस फोर इससे आपको वन क्रॉस फोर का एक वेक्टर मिलेगा और उसके ऊपर जब आप सिग्मोइड लगाओगे तो आपको अगेन वन क्रॉस फोर का एक वेक्टर मिलेगा विच इज नथिंग बट योर आर टी ठीक है तो अभी जस्ट हमने एकदम खोल कर देख लिया कि आर टी कैलकुलेट कैसे हो रहा है तो ये जो ऑपरेशन यहां पर है जहां पर हम ये आर टी कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज नथिंग बट अ वेटेड सम थोड़ा वेट्स यहाँ पर है थोड़ा वेट्स यहाँ पर है और हम इन वेट्स को बैकोकेशन के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं एंड देन वी आर पुटिंग इट इनसाइड अ अगमोइट बिकॉज वी वांट जीरो से वन के बीच का आंसर बिकॉज आफ्टर ऑल आर्ट इज अ गेट ठीक है तो दैट इज हाउ आर्ट इज क्रिएटेड एंड विद डैट हमने इतना कर लिया ये हमने निकाल लिया रीसेट गेट क्या होता है वो हम समझ गए उसका पर्पज़ क्या है वो हम समझ गए और कैलकुलेट uh, कैसे हो रहा है एग्जैक्टली exactly, वो भी हमने करके देख लिया अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप में हम आर टी और एच टी को मिला करके, के इनफैक्ट आर टी एच टी और एच टी को मिला करके ये कैंडिडेट सेल कैंडिडेट हिडन स्टेट बनाएंगे तो चलो गाइस आर्किटेक्चर में आगे बढ़ते हैं हमने हमारा रीसेट गेट कैलकुलेट कर लिया है एंड दिस इज द करेंट स्टेट ऑफ द आर्किटेक्चर अब इस फ्लो डायग्राम पे अगर आप जाओ तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमें इस रीसेट गेट और अभी तक की जो पास्ट मेमोरी है इनको मिला करके ये क्वांटिटी निकालनी है और ये क्वांटिटी क्या है एग्जैक्टली दिस इज नथिंग बट द मॉड्यूलेटेड मेमोरी या फिर रीसेटेड मेमोरी तो आपको कुछ नहीं करना है यहां से आप एच को लेके आओगे दिस इज एच और यहां से आप आर को इसमें मिला दोगे और यहां पर आप एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे जिसको बोला जाता है पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन तो बेसिकली आपका जो ये वैक्टर है और आपका ये जो वैक्टर है इन दोनों को आपने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करने पर आपको जो क्वान्टिटी मिलती है वो ये है तो कुछ भी नहीं है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस वुड बिकम पॉइंट फोर एट हमने एट्टी परसेंट रिटेन किया पॉइंट सिक्स का दिस इज पॉइंट वन टू दिस इज पॉइंट सेवन एक्चुअली पॉइंट जीरो सेवन होगा एम सॉरी और दिस इज पॉइंट जीरो नाइन तो ये रहा इस हमारा मॉड्यूलेटेड पास्ट मेमोरी बेस्ड ऑन माय करंट इनपुट एक्सडी ठीक है अब हम क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड पास्ट मेमोरी है जहां पे हमने मॉड्यूलेशन क्रिएट किया रीसेटिंग किया ऑन द बेसिस ऑफ इस रीसेटिंग का मतलब आप समझो हमने ये जो डायमेंशन है ये कौन सा डायमेंशन था ये था आपका पावर पावर में हमने थोड़ा सा रीसेटिंग किया ज्यादा नहीं ये हमारा था कॉन्फ्लिक्ट इसमें हमने काफी रीसेट किया बेस्ड ऑन द करेंट इनपुट अगला था ट्रेजिडी इसमें भी हमने काफ़ी रीसेट किया और लास्ट था हमारा रिवेंज इसमें हमने बहुत कम रीसेट किया तो बेसिकली हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड पास्ट मेमोरी है अब हम क्या करेंगे इसको जो मेरा करंट इनपुट है उसके साथ आ, उठाएंगे बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएंगे और XT से मिला देंगे ठीक है ये हमने एक्स टी से मिला दिया और इसको आगे लेके जाएंगे और इसको एक न्यूरल नेटवर्क लेयर में डाल देंगे। लेन एच इससे जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना वो है मेरा कैंडिडेट हिडन स्टेट सो बेसिकली मैथमेटिकली स्पीकिंग द ऑपरेशन दैट वी आर डूइंग दिस इज टेन एच ऑफ इस पूरे वेट को हम मान लेते हैं w, लेट्स कॉल इट h फॉर और p फॉर कैंडिडेट के वेट्स और आप यहाँ पे दो चीजों का कॉन्टिनेशन कर रहे हो एक आप कॉन्काटिनेशन कर रहे हो इसका और इसके साथ आप कॉन्टिनेट कर रहे हो इसको प्लस बीसी ये ऑपरेशन हुआ ठीक है अगर आप बात करो तो इस न्यूरल नेटवर्क लेयर में भी चार नोड्स हैं ठीक है यहां पे आपके ये चार इनपुट्स हो गए जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको और फिर यहाँ पे आपके तीन और इनपुट्स हो गए और ये फुली कनेक्टेड लेयर है दिस इज अ फुली कनेक्टेड लेयर और इस वेट को मैं बुला रहा हूं डब्ल्यू सी ठीक है और ये भी कितना होगा सेवन क्रॉस फोर होगा और यहाँ पे जो बायसेस हैं उसको मैं बुला रहा हूँ बी सी ठीक है अगेन आप ये वेट्स का जो डायमेंशन है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के शेप वेरीफाई कर सकते हो बट या

हो सकता है बेस्ड ऑन हमारा डेटा जैसा अभी तक है उसके हिसाब से हो सकता है कि करंट uh, इनपुट में हमने राजा नए राजा की बात की थी तो हो सकता है ये पॉइंट सेवन चला गया हो पॉइंट सिक्स से ये पॉइंट टू पे आ गया हो ये पॉइंट वन पे आ गया हो और ये पॉइंट टू पे चला गया हो समथिंग लाइक दैट कुड हैपन ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रपोजल ये हम काइंड ऑफ प्रपोज कर रहे हैं कि दिस शुड बी द एच टी बट हम इसको डायरेक्टली एच नहीं मानते हैं ठीक है मैंने आपको बताया आप इसको डायरेक्टली एच नहीं मान सकते हो अगर आप इसको डायरेक्टली एच मानोगे तो इन अवे आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो करंट इनपुट पे, जो कि जरूरी नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो ओवरऑल स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब हमें बस दो स्टेप्स में काम करना है हमें एच टी माइनस वन को लेना है और हमें इस क्वांटिटी को लेना है और इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग गेम खिलवाना है यूजिंग जेड टी जो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा अपडेट गेट विच इज दिस थिंग और अपडेट गेट कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से चाहिए दो चीजें आपका अभी तक इस मोमेंट तक का पास्ट मेमोरी और आपका करंट इनपुट और इन दोनों को मिला करके आपको मिलेगा जेड टी अगर आप बात करो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इस जगह से आगे बढ़ोगे इस जगह पे आपके पास दोनों चीज़ें हैं एच टी भी है एच टी माइनस वन भी है आप बस इसको आगे लेके जाओगे और एक न्यूरल नेटवर्क लेयर में डाल दोगे जो कि सिग्मोइड होगा और इसके आउटपुट से आपको मिल जाएगा जेड टी मैथमेटिकली स्पीकिंग जेड टी इज नथिंग बट सिगम ऑफ डब्ल्यू जेड कॉन्टिनेशन ऑफ एच टी माइनस वन एक्स टी प्लस बी जेड ठीक है uh, फिर से ये जो न्यूरल नेटवर्क लेयर होगा इसमें चार नोट्स होंगे ठीक है और यहाँ से आपको एच टी माइनस वन मिलेगा और यहां से आपको एक्स टी मिलेगा यहाँ पे जो आपका फुली कनेक्टेड लेयर होगा वो अगेन सेवन क्रॉस फोर होगा और यहाँ पे आपके चार बाइसेज होंगे ठीक है यू कैन अगेन डू द शेप मैचिंग डायमेंशन मैचिंग आप करके देख सकते हो ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जेड टी है क्या जेड टी इज फाइनली अ वेक्टर बिल्कुल उसी साइज का जिस साइज का एचटी माइनस 1 है या एचटी कैंडिडेट वाला है और साथ ही साथ दिस इज आल्सो अ गेट गेट का मतलब इसके अंदर के जो चारों नंबर्स होंगे वो जीरो से वन के बीच में अब मैं आपको बताता हूँ कि जेडटी का पर्पस क्या है सो so, हमारे पास ये कैंडिडेट हिडन स्टेट है बट हम इसको डायरेक्टली एचटी नहीं बना सकते बिकॉज़ ये हैवीली स्क्यूड है करंट इनपुट के ऊपर हमें अपने पास्ट मेमोरी को भी पास्ट कॉन्टेक्स को भी वैल्यू देना है बट वैल्यू कितना देना है ये हमें नहीं पता अब ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो करेंट इनपुट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक रियली इंपॉर्टेंट मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसको पढ़ने के बाद जो आपका रीडर है उसके दिमाग में जो कहानी अभी तक थी वो बिल्कुल पलट जाए ऐसा सोचो कि कोई मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी तक कोई और आपको लग रहा था कि मर्डर किए हुए सडनली से अभी लास्ट लाइन में पढ़ के आपको पता चला कि अरे नहीं मर्डर तो किसी और ने किया और उसकी वजह से आपका दिमाग में जो पूरा कॉन्टेक्स्ट कहानी था वो पूरा बदल गया वो कहते थे ना वक्त बदल गए जज्बात बदल गए उस तरह का इनपुट था तो उस केस में आपको ऑब्वियसली ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा कैंडिडेट वाले को जो हैविली रिलाई कर रहा है करंट वाले पे और आप कम वैल्यू दोगे पुराने वाले को बट ऐसा हो सकता है कि करेंटली आपकी कहानी में गाना चल रहा है बॉलीवुड मूवीज में होता है तो देन इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट तो फिर इससे इससे जो कैंडिडेट हिडन स्टेट बन रहा है वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इन दैट केस आपको इसको ज़्यादा वैल्यू करना है तो बेसिकली जेड टी का काम यही है कि जब आप इसको ट्रेन करते हो डेटा के ऊपर तो ये आपको ऑटोमेटिकली सेट ऑफ फोर नंबर्स निकाल के दे रहा है एटलीस्ट इन दिस केस जिसको ये पता है कि एच टी माइनस वन एंड एच टी बीच में बैलेंस कैसे ड्रॉ करना है ये इसको ऑलरेडी पता है और ये ट्रेनिंग प्रोसेस में होता है बैक प्रोपिशन लगाने के बाद तो बेसिकली जेड टी अगर आपके पास आ गया तो नाउ यू आर रेडी फॉर द फाइनल स्टेप नाउ यू नो हाउ टू बैलेंस

Point eight, point ये निकल के के आया. ट्रेनिंग के बाद, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है इन तीनों क्वांटिटीज को मिला करके एच टी कैलकुलेट करना है और एच टी का फॉर्मूला होता है ये एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा देख करके सो बेसिकली वॉट यू डू इज वन सेकेंड सो बेसिकली वॉट यू डू इज आप इस कैलकुलेट करते हो और उसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर देते हो एच टी माइनस वन से और आप जेड टी को लेते हो और उसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर देते हो कैंडिडेट वाले के साथ और इन दोनों के बीच में आप एलिमेंट वाइज एडिशन कर देते हो ठीक है दिस इज द ऑपरेशन टू कैलकुलेट एच टी मतलब यहाँ पर अगर आप देखो ये आपका जेड टी था तो आप इस जेड टी के ऊपर यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रहे हो वन माइनस का और उसको ले जाकर के आप मिला दे रहे हो एच टी माइनस वन के साथ यहाँ पर आप ठीक है इस ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ फिर आप जेड टी को यहाँ से निकाल भी रहे हो और यहां से एच टी को लेके जा रहे हो और यहां पर इन दोनों के बीच में आप ये ऑपरेशन कर दे रहे हो और फिर ये जो यहां से आ रहा है और ये जो यहां पर आ रहा है इन दोनों को मिला करके आप एक प्लस ऑपरेशन कर दे रहे हो विच इज दिस वन एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग योर एच टी ठीक है अब इंट्यूशन बहुत सिंपल है अगर जेड टी हाई है अगर जेड टी बहुत हाई है तो आप ज्यादा वैल्यू कर रहे हो कैंडिडेट वाले को अगर जेड टी लो है तो आप ज्यादा वैल्यू कर रहे हो पास्ट वाली मेमोरी को सोच के देखो ना इफ जेड टी इज लो लेट्स से पॉइंट वन है तो वन माइनस जेड टी कितना हो जाएगा पॉइंट नाइन तो मैं ज्यादा वैल्यू कर रहा हूँ एच टी माइनस वन को और यहाँ पे जेड टी पॉइंट वन है तो मैं कम वैल्यू कर रहा हूं इसको तो इन अ वे यहां पे वन माइनस जेड टी कर रखा और यहाँ पे जेड टी कर रखा है तो बैलेंस क्रिएट कर दिया मैंने पास्ट मेमोरी और करेंट मेमोरी के बेसिस पे ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है एंड दैट इज हाउ यू गेट योर एच टी लाइक आई कैन डू अ कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू सो अगर हम इसको अप्लाई करें तो वन माइनस जेड टी निकल के आएगा 0 0 sorry, 0 0 0 और इसको मुझे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है इसके साथ पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट वन के साथ तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट फाइव फोर पॉइंट वन एट पॉइंट वन फोर पॉइंट जीरो एट ये जो निकल के आया ये आपकी ये वाली क्वांटिटी है ठीक है और फिर मैं क्या करूँगा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे मुझे मिल जाएगा पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट वन फोर जीरो एट पॉइंट जीरो फोर इफ आई एम करेक्ट ठीक है और अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा तो यहां पे मुझे मिल जाएगा पॉइंट सिक्स वन पॉइंट थ्री टू पॉइंट टू टू एंड पॉइंट वन टू ये रहा मेरा फाइनल एच अब खुद सोच के देखो अभी हम लोग कौन से स्टेज पे थे जहां पर हम विक्रम के बेटे का इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो वो इंट्रोडक्शन देने के बाद ये रहा आपका पावर जो थोड़ा सा बढ़ गया पॉइंट सिक्स जीरो था तो पॉइंट सिक्स वन हो गया बिकॉज एक एडिशनल राजा के बारे में हमने बखान किया गुनगान किया आ, उसके बाद था कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट पहले पॉइंट सिक्स था वो पॉइंट थ्री टू पे आ गया कम हो गया बिकॉज अभी कोई फाइट नहीं चल रही ट्रेजिडी बहुत ज्यादा थी वो भी कम हो गई है बिकॉज पुराना काफी टाइम हो गया विक्रम को मरे हुए और ये पॉइंट वन था ये पॉइंट वन टू हो गया ये रिवेंज है थोड़ा सा रिवेंज का एंगल बढ़ रहा है बिकॉज हमें लग रहा है कि है, जो विक्रम का बेटा है वो बदला लेगा तो इस तरीके से हमने इस एच टी माइनस वन से यहाँ तक पहुँचे सो so, एक बार जस्ट टू समराइज मैं फ्लो चार्ट फिर से बना रहा हूं एच टी माइनस वन एक्स टी को पकड़ करके आप रीसेट गेट कैलकुलेट कर रहे हो जिसका काम है ये पता करना कि कौन से डिमेंशन को रीसेट करना है जो यूजफुल नहीं है करेंट इनपुट के हिसाब से फिर आप एच टी माइनस वन और रीसेट गेट गेट को मिला करके आप रीसेटेड पास्ट मेमोरी या मॉड्यूलेटेड पास्ट मेमोरी बना रहे हो यूजिंग दिस ऑपरेशन और इसमें आप जैसे ही एक्स टी को जोड़ रहे हो यू आर गेटिंग योर कैंडिडेट हिडन स्टेट अब साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो सीधे तो कैंडिडेट हिडन स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बना सकते तो आप फिर से एच टी माइनस वन और एक्स टी को यूज करके कैलकुलेट कर रहे हो विच इज अपडेट गेट जो ये पता करता है कि वॉट शुड बी द बैलेंस बिटवीन एच टी माइनस वन एंड एच टी टेल्ड और फाइनली आप एच टी माइनस वन टी और एच टी इन तीनों को मिला करके एच टी कैलकुलेट कर रहे हो तो यही हमने पूरी चीज यहां पर डिस्कस की एंड दिस इज द एंटायर आर्किटेक्चर अब आप प्यार से अगर इस आर्किटेक्चर को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए तो वीडियो खत्म करने के पहले गाइस एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे कि LSTMs और GRU's के बीच में क्या मेन डिफरेंसेस हैं सो पर मैंने कुछ डिफरेंसेस नोट डाउन कर रखे हैं सबसे पहला डिफरेंस तो ऑलरेडी आपको पता चल ही गया कि जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो एल में ज्यादा होते हैं वहां पर इनपुट uh, गेट होता है फॉरगेट गेट होता है और आउटपुट गेट होता है इन कंपेरिजन टू दैट जी में सिर्फ दो गेट्स होते हैं रीसेट और अपडेट ठीक है ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था अगर आप आगे बात करो मेमोरी यूनिट्स की तो एल में आपका सेल स्टेट भी होता है और हिडन स्टेट भी होता है जी में सिर्फ हिडन स्टेट होता है ठीक है दिस इज द सेकेंड डिफरेंस पैरामीटर काउंट भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एल में जो पैरामीटर काउंट है वो ज्यादा होता है एंड दिस इज द फॉर्मूला बाई द वे अगर आपके पास एक इनपुट है जिसका साइज डी है और हिडन साइज एच है तो दिस इज द फॉर्मुला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट विल बी प्रेजेंट इन द टी एम ये आप एक बार कॉपी पेन लेकर के चेक कर सकते हो फोर्थ पॉइंट पर अगर हम मूव करें तो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एल एस टी एम में बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा गेट एंड मोर पैरामीटर्स ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जी आर यूज जहां पर दे आर फास्टर टू कंप्यूट स्पेशलीन स्मॉलर डेटा सेट और अगर आप इम्पेरिकल परफॉर्मेंस की बात करो तो एल एस टीएम स्पेशली मोर कॉम्प्लेक्सर्व टाइटली बेटर ठीक है सो so अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स टास्क हैं बड़ा डेटा सेट है तो एल एस टीएम एक्सपेरिमेंटली प्रूव थोड़ा बेटर रिजल्ट देते हैं कैन परफॉर्म कम्पेरेबल टू एल एस टीएम ऑन सर्टन टास्क हम जे आर यू की बात कर रहे हैं है, आप जी आर यूज यूज कर सकते हो बहुत बड़े वाले में भी आपको दोनों चला के देख लेना चाहिए फाइनली वर्डिक्ट चॉइस इन प्रैक्टिस द चॉइस बिटवीन एल एस टी एम एंड जी आर यू ऑफ कम्स डाउन टू एम्पेरिकल टेस्टिंग बोला जा रहा है कि दोनों चलाकर देख लो

और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय